सीलिंग जो मिली है, तो हमारा तो ये कहना है कि ना हम लोग यहाँ के जो हिंदू समाज भाई है लेके गया था वहाँ रखने के लिए, और ना हम लोग लेके आएंगे। प्रशासन के माध्यम से इसे उठवा दिया गया है वहाँ से, और हम चाहते हैं प्रशासन के माध्यम से इसे यथास्थान पर पहुँचा दिया जाए। ये रखा दिया है, मतलब हमारा रात से बुखार भी चढ़ा है और सर भी दर्द हो रहा है। जिन दोनों हाथ से लेके आए हैं, आप लेके आए थे जी? हाँ। वो ऐसा ये अभी दर्द हो रहा है जी। हाँ, कथित रूप से एक शिवलिंग मिला, प्रशासन ने उसे उठवाकर हिंदुओं के एरिया में रखवा दिया। जो व्यक्ति उठाकर लाया उसकी उसी दिन से तबीयत खराब है, घर के लोग परेशान हैं। अब उनके साथ पूरा गांव चाहता है कि जहां से इस कथित शिवलिंग को लाया गया है वहीं इसे रखवा दिया जाए और वहां पर एक मंदिर बना दिया जाए। आपको बता दें कि वो जमीन एक मुस्लिम व्यक्ति की है, तो आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जायस इलाके में हाईवे किनारे काशीराम आवास बना हुआ है। बताया जा रहा है कि यहीं पर गुरुवार यानी 20 अक्टूबर की शाम कुछ बच्चे अपने मवेशियों को चरा रहे थे, तभी उनको मिट्टी में शिवलिंग नुमा पत्थर दिखाई दिया। पत्थर पर एक सांप की आकृति बनी हुई थी, जिसके बाद बच्चे डर गए और वहां मौजूद लोगों को जानकारी दी। जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया और देखते ही देखते वहां सैकड़ों की भीड़ पहुंच गई। मौके पर मौजूद भीड़ ने शिवलिंग निकालने की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप मच गया और प्रशासनिक अमले के साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। आसपास जांच के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने शिवलिंग को सुरक्षित उठवाकर पास में ही मौजूद शिव मंदिर में रखवा दिया, जिसके बाद गाँव वाले कथित शिवलिंग को देखने के लिए एकजुट होने लगे। लेकिन अब गाँव वालों का कहना है कि ये शिवलिंग जिस स्थान पर मिला है वहाँ पर इसको स्थापित करके एक मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए। इसी गांव के रहने वाले शिव कुमार का कहना है कि वहां जो शिवलिंग मिला है वो प्रशासन ने उठवाकर यहां रखवा दिया है। ये काली जी का स्थान है, यहां कोई दूसरा भगवान नहीं रखा जा सकता। शिवलिंग जो मिली है, तो हमारा तो ये कहना है कि ना हम लोग यहाँ के जो हिंदू समाज भाई है लेके गया था वहाँ रखने के लिए, और ना हम लोग लेके आएंगे। प्रशासन के माध्यम से इसे उठवा दिया गया है वहाँ से, और हम चाहते हैं प्रशासन के माध्यम से इसे यथास्थान पर पहुँचा दिया जाए। हमारा कहना यही है, क्योंकि हमारे यहाँ जितनी समय की ये बात है, कोई उस तरह जो पढ़ा लिखा लोग है यहाँ पे था नहीं जो प्रशासन से बात कर सके। अच्छा। कुछ लोग थे यहाँ पे जिनकी उतना वो नहीं थी समझदारी, वो उठा लिए हैं, लेकिन अब वो पछता रहे हैं, उनको दिक्कत है, उनको तकलीफ है, वो अपने घर में सुख शांति से रह नहीं पा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रशासन आए और अपने माध्यम से, आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, प्रशासन को अवगत करवाना चाहता हूँ कि इसे उठवा के उसी जिसके हाथों से लेके आया गया उसी के हाथों से यथास्थान पे इसे पहुँचा दिया जाए। लोगों का कहना है वहाँ सांप देखा गया है, क्या कहना है? सांप एक बार रात में देखा गया है, अभी फिर देखा गया एक घंटा पहले, और शिवलिंग जहाँ पे निकला वहीं पे सांप देखा गया है। दो तीन बार जब से शिवलिंग उठा है वहाँ से दो तीन बार सांप देखा गया है। जब निकल लेके गए, हम चाहते हैं इसे वहीं पहुँचा दिया जाए, हम लोग पूजा पाठ वहीं पे करेंगे। ये काली जी का स्थान है, इस स्थान पर दूसरा कोई स्थान नहीं बना सकते हैं। अगर भोलेनाथ बाबा का स्थान प्रकट वहाँ पे हुए हैं, तो उनका स्थान वहीं बनना चाहिए, हम लोग पूजा पाठ वहीं करेंगे। जब ये रहा होगा वहाँ पे, तब शायद किसी के नाम वहाँ पे जमीन नहीं रही होगी। आज के दौर में जमीन हो गई है किसी के नाम, तो ये मत किसी के मतलब हम लोग कुछ नहीं, इतना चाहते हैं कि इनका जो उतना स्थान इनको मिल जाए जिससे हम लोग पूजा पाठ वहाँ पे कर सकें। इसी गांव के राम संजीवन का कहना है कि हम तो यही चाहते हैं कि जहां से शिवलिंग मिला है वहीं पर इसे रखा जाए और भव्य मंदिर बनाया जाए। हम तो यही चाहते हैं जहां से मूर्ति लिंग आई है वहीं पे जाए, और यहां पे हम लोग कोई पूजा पाठ नहीं किया, वहां पे मंदिर बनना चाहिए। अच्छा। और ये तो प्रशासन यहां पे रख दिया गया है कि विवाद जो ना होए, शांतिपूर्वक मामला हल हो जाए। अच्छा। हम तो ये चाहते हैं जहाँ निकले वहीं पे इसको रखा जाए। रखा दिया है, मतलब हमारा रात से बुखार भी चढ़ा है और सर भी दर्द हो रहा है। जिन दोनों हाथ से लेके आए हैं, आप लेके आए थे जी? हाँ। वो ऐसा ये अभी दर्द हो रहा है। अच्छा। इसे पूरा दर्द हो रहा है, तभी थोड़ी देर बाद पहले अभी मिलवा के आ रहे हैं। अच्छा। नहाया धोया उसके बाद फ्रेश करके हमका कौन हल निकले, वहाँ जहाँ से आई वहाँ रखना चाहते हैं। जहाँ से निकला वहीं निकलना चाहिए। हाँ, जहाँ से प्रशासन आए साथ ही चले, हम वहाँ रहते हैं।
हम लेके आए ना, लेके जाए, लेके आए थे, लेके रख देंगे हम। हमारा वहाँ से अपना प्रशासन उठा करके अपना यहाँ रख ले, हमसे कोई आपत्ति नहीं, जहाँ से लेके आए वहाँ रख दे। इस मामले में जब हमारे संवाददाता आलोक श्रीवास्तव ने उस खेत के मालिक कौसर खान से बातचीत की तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरा जमीन पुश्तैनी है, हाँ। दादा के नाम थी, दादा से पिताजी के नाम आई, वो एक्सपायर हो गए तो हम लोगों के नाम आई। आप कितने भाई हैं? हम 6 भाई हैं। अच्छा, वो पर्टिकुलर वो एरिया जो जहाँ पे मिला वो आप ही का है? जी जी। अच्छा, तो ये लोग मतलब शिवलिंग मिला कैसे वहाँ पे? अरे भैया, एक को बीता नहीं, खोद के खाली गाड़ देंगे उन्हें। अच्छा, मतलब प्लान के तहत है क्या ये? जी जी। किसी से चलती है क्या दुश्मनी उश्मनी आपकी? नहीं भैया जी, कोई कभी आज तक जो है कभी कोई दुश्मनी नहीं। कंडा हाँ। पाकती है मोहल्ले की, हाँ। तो उसने कहा कि जो है ये लाके जो है खोद के गाड़ दिया है। अच्छा। पर डे वो कंडा पाकती, उसको कोतवाल साहब से भी सामने बताया गया जो है। वही हमारे संवाददाता आलोक श्रीवास्तव ने पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक इलामरण से बात की तो उनका कहना है, उसमें तो वो प्लांटर था, 2-3 दिन का पहले पूर्व, उससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। हाँ हाँ। वो पूरा निशान निशान था, लोग कुछ लोग उसमें लगवा दिया था जानबूझकर। अच्छा। वो दूसरे का निजी जमीन था, उसको नाप आम के भी कंफर्म किया। वो उनका जमीन पे वो रखना नहीं रखना वो डिसीजन लेंगे, वो तो मुस्लिम है। हाँ हाँ। इसलिए सम्मानित तरीके से उसको वहाँ से निकाल के मंदिर में रख लिया, पूजा पाठ जो हिंदू का वो धर्म का होता है उसी करके। हाँ। पूजा वूजा करके मंदिर में रख लिया, कोई दिक्कत नहीं वहाँ। अच्छा, नहीं गांव वालों से भी कुछ लोगों से बातचीत तो बोल रहे थे कि जहाँ पे इसका स्थान है वहाँ पे इसको किया जाएगा, मतलब रखा जाएगा मंदिर में। नहीं नहीं, ऐसा कैसा है, ये पुराना नहीं है, कोई जानबूझकर किया है। अच्छा, कोई जानबूझकर किया, ये पुराना नहीं है। फिलहाल आपको बता दें कि कथित शिवलिंग को बकायदा गांव वालों ने रखकर पूजा अर्चना की और भंडारा भी शुरू किया और लोग इस कथित शिवलिंग को देखने के लिए जुट रहे हैं। वहीं प्रशासन ने भी लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए सख्त इंतजाम किए हुए हैं। अमेठी से आलोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।